तो आज हम करने वाले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल। सबसे पहले आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उसमें आइस क्यूब डाल देनी है। अब आपको एक थ्रेड लेनी है और उस थ्रेड को उस ग्लास में इस तरीके से डालना है कि मोस्ट ऑफ द आइस क्यूब जो है वो उसमें कवर हो जाए। अब थ्रेड को अच्छी तरीके से डालने के बाद उसके ऊपर डालना है सॉल्ट। अब यहाँ पे सॉल्ट का क्या काम है हम इसका रीजन जानते हैं। अब सॉल्ट जो होगा वो बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा, जिसकी वजह से बर्फ जो होगी पिघलने लग जाएगी। अब ये पिघलती हुई बर्फ के ऊपर जो थ्रेड है वो उसके साथ थोड़े गहराई में जाएगा, लेकिन बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो है तो हमारी बर्फ दोबारा जमने लगेगी, और बर्फ जमेगी तो उसके साथ थ्रेड भी चिपक जाएगी। और ये अपने दोस्तों के साथ एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि उनका रिएक्शन भी कुछ इस तरीके का होने वाला है। और हाँ, ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो इस चैनल पे आती रहती है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर तो जरूर कर ही देना, ताकि दोस्त आपके ऐसा रिएक्शन कर पाए।